सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के एक फ्रेश एपिसोड में। और आज OnePlus 5D के लिए एक नया ओपन बीटा का 21 अपडेट रोल आउट हुआ है। और एक्चुअली ये अपडेट है जो प्रीवियस एंड्रॉयड पी का अपडेट निकला था, उसमें कुछ इश्यूज और बग्स थे, उसको फिक्स करने के लिए ये अपडेट रोल आउट किया है OnePlus ने। एक छोटा सा ही अपडेट है, तो क्विकली हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में कि वो अपडेट में क्या क्या इश्यूज फिक्स की है, क्या क्या नए चीजें दी गई है। और हमेशा की तरह अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और आपका कोई भी सवाल या डाउट रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यह OnePlus 5D का ओपन बीटा 21 का अपडेट 138 MB का छोटा ही अपडेट है। अगर चेंज लॉग देखते हैं तो आपको डिसम्बर सिक्योरिटी पैच ऐड कर दिया है इन्होंने, एक्सेंट कलर में अगर कस्टमाइजेशन में उन्होंने इश्यूज फिक्स किया और फेस अनलॉक को फास्ट कर दिया है। अगेन लॉन्चर में उन्होंने ऐप ड्रॉवर में जो UI इश्यूज थे उसको फिक्स कर दिया है। और कलर अडॉप्शन फॉर नेविगेशन बार, अगर नेविगेशन बार के लिए उन्होंने इम्प्रूव कर दिया कलर अडॉप्शन। और थर्ड पार्टी ऐप मतलब जो नेटफ्लिक्स क्रैश होता था कोई कोई लोगों के लिए, उसको फिक्स कर दिया है। तो कुछ ज़्यादा बड़ा ऐसा अपडेट नहीं है, बस थोड़े बहुत इश्यूज जो रहेंगे उसको फिक्स कर दिया है। तो आप ये अपडेट को डाउनलोड कर सकते हो, मैं फटाक से डाउनलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ अगर कुछ चेंजेस रहेंगे तो इसमें। तो दोस्तों अपडेट कंप्लीट हो गया, सिस्टम हैज़ बीन अपडेटेड मैसेज भी आ गया। अभी चलते हैं सीधा सेटिंग्स में और वर्जन को देख लेते हैं। और आप देख सकते हो ये ओपन बीटा 21 का वर्जन है। सिक्योरिटी पैच देखते हैं तो December 1, 2018 का है, तो ये अपडेट हो गया है। और अगर चेंज लॉक की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने डिसम्बर सिक्योरिटी पैच का जिक्र किया है और एक्सेंट कलर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन उन्होंने बोला है। तो एक्सेंट कलर आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में मिलेगा, तो आपको डिस्प्ले में जाना पड़ेगा और इधर से आप मैनुअल एक्सेंट कलर यूज़ कर सकते हो। तो पहले अगर कुछ इश्यूज रहेंगे तो वो फिक्स आउट हुए रहेंगे इस पर्टिकुलर अपडेट में। इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन फॉर फेस अनलॉक, तो डेफिनेटली फेस अनलॉक तो पहले से ही फास्ट है, आपको तो लॉक स्क्रीन भी नहीं दिखती है, तो मे बी कुछ ऑप्टिमाइजेशन ही किया रहेगा उन्होंने फेस अनलॉक के लिए। लॉन्चर की बात करते हैं तो UI ऑप्टिमाइजेशन फॉर ऐप ड्रॉवर, तो ऐप ड्रॉवर में अगर किसी को आपको कुछ बग या फिर स्लोनेस नज़र आया रहेगा तो वो इशू रिजॉल्व हुआ रहेगा। और अपार्ट फ्रॉम ऐप ड्रॉवर इम्प्रूव कलर अडॉप्शन फॉर नेविगेशन बार, तो ये जो नेविगेशन बार है उसका कलर टोन को थोड़ा इम्प्रूव कर दिया है। और नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन बार बार क्रैश हो रहा था उसको भी इम्प्रूव कर दिया है। तो ओवरऑल कुछ एंड्रॉयड पी में कुछ थोड़े बहुत बग्स थे उसको उन्होंने सेटल डाउन करने की कोशिश की है। तो आप ये अपडेट को इंस्टॉल करके फिर देख लेना, अगर आप प्रीवियसली अगर आपको कोई भी इशू फेस होता रहेगा तो वो इशू फिक्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपको मैं एक ही रिकमेंडेशन करूंगा कि एक बार सिस्टम सेटिंग्स को रीसेट करके देख लेना, आपके 99% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो बनाया, होप सो आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और आपका कोई भी सवाल या डाउट रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।